हेलो स्टूडेंट्स। सो यार फाइनली अभी जो है एंडिंग पे चल रहा है सीयूईटी एडमिशंस एंड काफ़ी सारे यूनिवर्सिटियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सटेंड कर दिए गए हैं। और अभी मैं टोटली आज मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। अगर अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करें तो यार सीयूईटी के अंदर सबसे महंगा जो कॉलेज है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। एंड कि उसकी फीस महंगी नहीं है, उसकी काउंसलिंग सबसे ज़्यादा महंगी है। कैसे महंगी है और क्या सारा सीन है, चलिए डिस्कस करते हैं। सो गाइस अगर अपन बात करें यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, तो उसकी जो टोटली जो अगर अपन काउंसलिंग में कोर्सेज की बात करें तो आई थिंक 10 से 11 कोर्सेज हैं। अगर अपन वहाँ पे दो कोर्स के अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी फिजिक्स इंटीग्रेटेड एमएससी केमिस्ट्री, तो मेरे रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेंगे ओनली फॉर 1000। अगर मैंने थर्ड कोर्स अप्लाई कर दिया तो 1000 एक्स्ट्रा, देन फोर्थ के लिए 1000 एक्स्ट्रा, देन फिफ्थ के लिए 1000 एक्स्ट्रा, देन सिक्स्थ के लिए 1000 एक्स्ट्रा। इस प्रकार से हमारी जो टोटल अभी अगर अपन सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई करें तो आई थिंक 10000 से लेके 11000 रुपये तक चार्जेज वहाँ पे लग रहे हैं। इसके कारण जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट, ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने रजिस्टर नहीं किया या फिर कुछ ही कोर्सेज के लिए, एक या दो कोर्स के लिए रजिस्टर किया है। हालांकि ऐसे कोर्सेज एंड कॉलेजों की बात करें तो यार ये एक सिर पर सिर स्कैम है जो कि साफ नजर आ रहा है, और मेरे को एक कैमरे में बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी है, स्टूडेंट के साथ ये अन्याय है। ओके, अब जैसे यूनिवर्सिटी है, अब वो एक जो जितने सारे कॉलेजेज हैं वो मिनिमम चार्ज ले रही है, जैसे 300 रुपीज़, 400 रुपीज़, 800 रुपये ले रहा है कोई, 1000 ले रहा है, लेकिन वो सारे कोर्स के लिए अप्लीकेबल है ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप हर कोर्सेज के लिए 1000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे हम तो हम आपकी काउंसलिंग कराएंगे। हालांकि इसका स्टूडेंट को काफ़ी सारा कोई बेनिफिट मिला। यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सारे स्टूडेंट को मैसेजेस किए कि आप जो है अपने रजिस्ट्रेशन कीजिए। यूनिवर्सिटी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से ऑफिशियली बहुत सारे बच्चों को मैसेज आया जिन्होंने पेमेंट नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद उसकी जो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की वो थी 10 अक्टूबर 2022। हालांकि यूनिवर्सिटी को सफिशेंट अप्लीकेशन नॉट रिसीव, या फिर जो भी है यूनिवर्सिटी को ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने जो रजिस्टर नहीं किया है तो उन्होंने जो अपने एप्लीकेशंस है वो एक्सटेंड कर दिए हैं टिल 13 अक्टूबर 2022 तक। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है जरूर से जाके रजिस्टर करिए। इसके साथ यार विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने भी रजिस्ट्रेशन कर स्टार्ट एक्सटेंड कर दिया 12 अक्टूबर तक। इसके बाद यार अगर अपन बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने दिमाग लगाया कि यार हमने पैसा तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं बच्चों से, बच्चे रजिस्टर नहीं कर रहे हैं जिन्होंने हमको सेलेक्ट किया था। तो अब उसने उसका ये कहना कि कोई बात नहीं, अगर आपने वो उसने जो है सभी सीयूईटी एस्पिरेंट्स के लिए ओपन कर दिया सारा का सारा विंडो कि जिन भी लोगों ने हमको सीयूईटी के पोर्टल पर सेलेक्ट नहीं किया था कोई बात नहीं है, ठीक है, आपने सेलेक्ट किया हो ना किया हो सारे बच्चे अप्लीकेबल है, सब आओ हमारे पास, जितने भी सीयूईटी के एस्पिरेंट है, ठीक है, पीजी के जितने भी है, यूजी के जितने भी 8 लाख जितने भी बच्चे हैं सभी के सब सीयूईटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे जो भी एडमिशन पोर्टल पर सबसे पहले लिखा आता है, इफ़ यू नॉट अप्लाइड फॉर दिस कॉलेज इन सीयूईटी देन नो प्रॉब्लम, दिस इज ओपन फॉर ऑल। ओके, सो हमें दिखता है भाई तुम्हारा जो भी स्कैम है सारा का सारा, राइट, ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा गलत है यार। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका 2 दिन का घर चल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये यूनिवर्सिटियाँ 10000 रुपये नॉन रिफंडेबल चार्ज लेती है। अगर ये बोलती है कि आपका अगर एडमिशन हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे को बताइए इंडिया के अंदर ऐसा क्या लगता है उस कॉलेज को, ओके, और ऐसा क्या सिस्टम है उसका, एंड ऐसा काउंसलिंग के अंदर वो क्या करवा रहा है कि सारे बच्चे उसके बाद रजिस्टर हो और वो 10000 रुपये काउंसलिंग के चार्ज करें और वो कि नॉन रिफंडेबल है। कॉलेज ऐसे पैसों का करता क्या है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन उठना चाहिए बच्चों का, ठीक है, और जस्ट जो लोग क्वेश्चन नहीं उठा रहे जस्ट लाइक वो मतलब क्या ही बोल सकते हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कॉलेज आता है और वो काउंसलिंग के लिए 10000 रुपये ले रहा है, अगर मान लो 100 बच्चे भी 10 सारे कोर्सेज के लिए रजिस्टर कर दें तो 100 into जस्ट लाइक आप 10000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 100 बच्चों के लिए भी देख सकते हो कितने लाखों रुपए होते हैं, ठीक है, 10 लाख रुपए होते हैं गाइस। और पता है यहाँ पे हजारों बच्चे रजिस्टर करते हैं एमएससी केमिस्ट्री एमएससी फिजिक्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज, पीजी के में कितने बच्चे हैं, यूजी में कितने बच्चे हैं, काउंसलिंग के अंदर इतने लाखों रुपए ये ले रहे हैं। उसके बाद फीस भी कॉलेजों की कम नहीं होती है, लाइब्रेरी चार्ज कम नहीं होता है,
क्या मतलब क्या ही बोल सकते हैं यार। ठीक है गाइस, आपको जैसा अच्छा लगे, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा इन दो कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप दो कोर्स के लिए कीजिए, तीन कोर्स के लिए कीजिए। अगर आपके मार्क्स कम है तो आप सारे कोर्स के लिए अप्लाई ना करें, 10,000 रुपये बर्बाद हो जाएंगे आपके, ठीक है, वापिस भी नहीं कर रहे हैं लोग। इसलिए हमारा CUT गाइडेंस प्लान में रोल कर सकते हो, हम आपका बेस्ट चॉइस फिलिंग करते हैं कि आपको कौन से कॉलेज में होगा कौन से में नहीं होगा। तो उसके लिए नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो ताकि आपके 10,000 रुपये तो बच सके कम से कम। और ऐसे कॉलेजों को तो आई थिंक मतलब इन पे गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए यार, ऐसे वाइस चांसलर को रख रखा है, ठीक है, मेरे प्यारे राजस्थान जो कि मेरे हृदय की धड़कन है, वहाँ पे ही ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ उसके बारे में। आई रियली सॉरी फॉर दैट कि हमारे अजमेर में ऐसा हो रहा है।